नमस्कार प्यारे हिमाचल वासियों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों को सख्त सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, रात से खराब होगा मौसम। दारचा सरचू सड़क पर 11 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही नहीं। हिमाचल में मौसम आज रात से करवट बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से अगले 48 घंटे के दौरान पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कल यानी 9 नवंबर को ज़्यादातर इलाकों में बारिश बर्फबारी और आंधी चलने व आसमानी बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट दिया गया है। वहीं 10 नवंबर को भी कुछ एक स्थानों पर मौसम खराब रहेगा। बता दें, इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी खासकर बर्फबारी के दौरान अधिक ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। जाहिर है कि पहाड़ों पर ठंड में इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के दौरान भी तापमान में गिरावट देखी गई है। इससे कुछ जगह पर तापमान जमा बिंदु के आसपास पहुंचा है। बीती रात को केलांग का मिनिमम टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस, कल्पा का 2.4 डिग्री, समदो का 1.7 डिग्री और मनाली का 5.2 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर गिर गया है। अन्य शहरों में भी सुबह शाम ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि दिन में मौसम साफ होने से पहाड़ों पर मौसम सुहावना बना हुआ है। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं कल यानी 9 नवंबर को ज़्यादातर इलाकों में बारिश बर्फबारी और आंधी चलने व आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी दिया गया है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।